और एक चीज सबसे बड़ी जो अपडेट है, अगर आगे में कोई गाड़ी आ जा रहा है तो ये गाड़ी ऑटो डिटेक्ट करेगी और ऑटो ब्रेक जो है जनरेट करेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज हमारे पास है ऑल न्यू क्रेटा जो कि 16 जनवरी को लॉन्च हुई है इंडिया में। आज है 21 जनवरी, बिहार शरीफ में ये गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है। विनय हुंडई बिहार शरीफ में, इसका मेन ब्रांच जो है बेगूसराय में, इसका मेन ब्रांच तो वहां पे भी ये गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है। नवादा में भी इसका ब्रांच है, तो कहीं से भी आप ये गाड़ी परचेज कर सकते हैं। इस गाड़ी में काफी कुछ चेंज किया गया है, जैसे कि अलॉय व्हील वगैरह चेंज किया गया है, फ्रंट का लुक चेंज कर दिया गया है, इंटीरियर का लुक चेंज कर दिया गया है, बैक का लुक चेंज कर दिया गया है। पूरा ये गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज हो चुकी है। अंदर में तो आपको ऐसी फील दिलाएगी जैसे कि लग रहा है कि कोई मर्सिडीज वगैरह में बैठे हुए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो दोनों कनेक्ट कर दिया गया है। और फॉन्ट वगैरह जो है ना वो ड्राइविंग मोड वगैरह चेंज करते हैं, तो काफी मजा आने वाला है अंदर जब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सीट वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया गया है। आज हमारे पास है SX ऑप्शनल पेट्रोल में, DCT ऑटोमेटिक में आज हमारे पास है, तो इसी की आज हम बात करते हैं। इसमें क्या कुछ आपको दिया गया, प्राइस कितना है, माइलेज कितना है, सारा कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम बता देते हैं कि पावर कितना इसमें आपको मिल रहा है। 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें वेरिएंट भी बढ़ाया गया है। इसमें वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो EX, S और S ऑप्शनल एक नया वेरिएंट लाया गया है, और SX ऑप्शनल आता है। और पहले जो है 1.4 लीटर इंजन के साथ आता था टर्बो, अब जो है 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है टर्बो। तो आइए सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको इंजन अंदर कैसा आपको दिया गया। तो गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो वेलकम फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से हम इसका हुड को ओपन कर लेते हैं तो अंदर दिखाते हैं। हालांकि अंदर तो देखना कोई जरूरी नहीं। देखिए यहाँ पे फूल माला लगा हुआ है, मतलब कल ही इसकी बिहार शरीफ में लॉन्चिंग हुई है। देखिए इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाती है। अंदर जो है इंजन गार्ड वगैरह भी शायद दिया गया है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा इंजन गार्ड वगैरह। तो चलिए अब हम देखते हैं गाड़ी की एक्सटीरियर से क्या कुछ आपको अपडेट देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले बोनट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोनट पे कट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि नए कट्स आपको दिए गए हैं। और फ्रंट में पूरा कनेक्टिंग DRL यहाँ से यहाँ तक आपको मिल जाता है। और ये मोटी मोटी ब्लैक पियानो फिनिश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक आपको फील दिलाएगी। पूरा मतलब चमकती हुई मोटी क्रोम के साथ ये आपको देखने के लिए मिल जाती है, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। और इसमें 360 डिग्री कैमरा है, तो यहाँ पे भी आपको कैमरा दिया गया है। और ये देखिए बड़ी सी आपको हुंडई की लोगो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सिल्वर फिनिश के साथ दिया गया है। पहले जो है सिल्वर फिनिश नहीं आता था, पहले क्रोम फिनिश के साथ देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे देखिए 360 डिग्री कैमरा आपको मिल रहा है, तो ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। और बड़ी बड़ी स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता था। और यहाँ पे देखिए ये स्किड प्लेट चेंज किया गया है, और यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है, 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर। और इधर चलते हैं, मेन हेडलाइट की हम बात कर लेते हैं। तो फॉग लैंप हटा दिया गया है, हुंडई की लगभग गाड़ी से फॉग लैंप हटा दिया गया है। कि मेन हेडलाइट जो आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउन कर दिया गया, नीचे कर दिया गया है, और इसी को मेन हेडलाइट बनाया गया। फॉग लैंप लगभग गाड़ी से हटा दिया गया हुंडई की। यहाँ पे अलग डिजाइन आपको मिल जाता है, DRL वगैरह का डिजाइन काफी अच्छा आपको दिया गया। तो ये थी फ्रंट प्रोफाइल की चेंजिंग। अब देख लेते हैं हम साइड में क्या कुछ चेंज किया गया। तो इसकी साइड प्रोफाइल में सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डायमंड कट अलॉय व्हील जो आपको मिल रहा है उसकी डिजाइन आपको चेंज कर दी गई है। और ये देखिए डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जा रहा है। इसकी साइज की बात करते हैं तो 17 इंच की साइज आपको मिल जाती है इस गाड़ी में। और यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिल रही है 190 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसमें अभी जो है अपोलो का टायर आ रहा है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो वो आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगी, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं आपको बता देता हूं तो आप वो भूल सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दिया। यहाँ पे देखिए ये टर्न इंडिकेटर के लाइट मिल जाते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके आप दिखा दीजिए, यहाँ पे इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये यहाँ पे कट्स जो है दिए गए हैं वो आपको चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। और इधर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका की जो आपको दिया गया सेम उसी तरीके से दिया गया जो पहले आती थी। कि यहाँ पे देखिए लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो आपका बूट ओपन हो जाता है। ऊपर में रूफ रील दिया गया जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिल जाता है। इधर भी आपको सिल्वर फिनिश वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है, सॉरी ग्रे टाइप लग रहा है, मतलब ग्रे फिनिश भी आप इसे कह सकते हैं। अंदर सन ब्लाइंड वगैरह भी आपको दिया गया, तो अंदर हम चलेंगे तो दिखाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं बैक प्रोफाइल में क्या कुछ आपको दिया गया। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको मिल जाती है वो
15 लीटर के आसपास आपको मिल जाती है। ऊपर में देखिए रूफ रील वगैरह आपको दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जा रहा है, डिफॉगर मिल जा रहा है और इधर रियर वाइपर भी मिल जा रहा है। इसकी जो कनेक्टिंग DRL आपको मिल रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जलने के बाद काफी अच्छी लगती है। सिक्वेंशियल यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, लाइट ये देखिए काफी खूबसूरत लग रही है। इसकी पूरी ओवरऑल लुक की बात करते हैं ना बैक प्रोफाइल की, तो काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अल्कजार और होंडा एलिवेट मतलब अच्छी लग रही है भाई, मतलब कनेक्टिंग DRL वगैरह आपको मिल जा रहा है और क्रेटा की बैजिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे SX की बैजिंग आपको मिल जाती है और इधर जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और यहाँ पे लाइट भी आपको दिया गया है। और ये देखिए स्किड प्लेट का डिजाइन काफी अच्छी लग रही है और थोड़ा बल्की टाइप लग रही है। 360 डिग्री कैमरा मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे भी आपको कैमरा मिल जा रहा है, सॉरी मैंने ORBM के नीचे जो है कैमरा दिया गया वो मैंने आपको बताना भूल गया, जब मैं एंट्री करूंगा तो उस टाइम बता दूंगा। इसकी बूट स्पेस जो आपको मिल रही है वो 433 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है। इतनी बड़ी बूट स्पेस के साथ यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोलिक भी मिल जा रहा है और इधर जो है पार्सल ट्रे मिल जाता है और इतनी बड़ी आपको बूट स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे देखिए बॉस का सबवूफर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बूट में, काफी अच्छी इसकी म्यूजिक सिस्टम है। कल लॉन्चिंग के टाइम में जब ये बज रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे लग रहा था कि कोई बॉक्स वगैरह अलग से बजाया जा रहा है, लेकिन जब मैंने अच्छी तरीके से देखा तो इसी की आवाज आ रही थी। काफी आवाज मतलब सुंदर आवाज थी, काफी मीठा आवाज, मतलब ट्रैवल बेस सारा कुछ अच्छा था भाई। पहले भी शायद बॉस का आता था लेकिन अब थोड़ा सा इनहेंस किया गया। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है व्हील, जो कि इसकी साइज हम देख लेते हैं कितना आपको दिया गया। यहाँ पे इसकी साइज जो है 16 इंच का आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे लाइट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए वो तार वगैरह दिया गया, पता नहीं बाद में इन लोगों का दिमाग काम किया तो शायद ये बाहर से दिख रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। सीट की कुछ सीट बेल्ट वगैरह की शायद वो तार होगी। और इस गाड़ी में जो है ना बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग मिलने वाला है। और भी जो सेफ्टी फीचर्स है इस गाड़ी की वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, वहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्या कुछ इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। और एक चीज सबसे बड़ी जो अपडेट है वो मैं आपको आगे बताना भूल गया, इस गाड़ी में जो है कि Level 2 ADAS एड हो चुका है। Level 2 ADAS का मतलब है कि आप जो लोग नहीं जानते हैं Level 2 ADAS का मतलब, उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आगे में कोई गाड़ी आ जा रहा है तो ये गाड़ी ऑटो डिटेक्ट करेगी और ऑटो ब्रेक जो है जनरेट करेगी, उसका रडार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये कैमरा भी एक दिया गया है, इधर देखिए वो मतलब समझिए कि इस कैमरा से वो डिटेक्ट करती है। और अगर आप चलते चलते आपका लेन चेंज हो रहा है व्हाइट वाला से तो वो आपको अंदर भी डिटेक्ट करेगी और बताएगी टी 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 करके। तो Level 2 ADAS ऐड होने से इसका सेफ्टी फीचर्स जो है और भी इसका बढ़ गया है। चलिए अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये चीज, कैमरा जो मैंने आपको दिखाने के लिए भूल गया था, कैमरा भी हम चेक करेंगे कि कैसी क्वालिटी के साथ ये आ रही है। तो सबसे पहले इंटीरियर में देखते हैं इसका गेट में क्या कुछ आपको चेंज किया गया है। गेट में कलर वगैरह लगभग सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है, शायद डुअल टोन कलर में है लेकिन ये ग्रे फिनिश के साथ आती है, पहले जो है ब्लैक फिनिश के साथ आती थी शायद। यहाँ पे पूरी पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, ORBM के कंट्रोल दिए गए हैं। इधर बॉस का स्पीकर है जो कि काफी अच्छा बजता है, मैंने बताया था। और इधर जो है वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है। और एक बार जो है ना मैं हट जाता हूँ उसके बाद पूरा इंटीरियर को आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरत इंटीरियर आपको दी गई है। काफी कनेक्टिंग यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग जो दिया गया है ना, ये इंफोटेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो काफी सुंदर लग रही है। और पूरा इंटीरियर जो है ना थोड़ा प्रीमियम टाइप फील दिला रही है, या उसका रीजन ये है कि देखो आप ये कनेक्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। और पूरा जो है इंटीरियर का कलर वो ग्रे कलर कर दिया गया है, पहले ब्लैक में आता था, कहीं कहीं पे आपको ब्लैक दिखेगा, बाकी पूरा इंटीरियर जो है ग्रे कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक वगैरह दिख रहा है। और सीट की क्वालिटी आप देखिए, पहले वाली जो क्रेटा आती थी उससे चेंज किया गया है सीट की क्वालिटी भी, वेंटिलेटेड सीट आपको मिल जाता है। और क्वालिटी देखिए लेदर फिनिश के साथ और थोड़ा सा देखने में ही मतलब प्रीमियम लग रही है। इसका डिजाइन चेंज कर दिया गया है, पहले जो क्रेटा में आती थी उसका अगर आप सीट कवर इसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे लगाना चाहेंगे तो नहीं लगेगा। अब देखते हैं इसकी सीट की कंफर्ट वगैरह बैठने में कैसा लग रहा है। अगर हम बैक सपोर्ट वगैरह की बात करते हैं तो वो काफी अच्छी मुझे मिल रही है। और इसका जो चेंज किया गया, देखिए पहले नॉर्मल आपको मिलता था एडजस्टमेंट, यहाँ पे अब जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ ये आ रही है इसका ड्राइवर सीट। और को पैसेंजर साइड जो दिया गया है सीट वो आपको मैनुअल एडजस्ट करना होगा।
और इधर यहाँ पे देखिए एक मैग्नेट टाइप का कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी चिपका सकते हैं, कुछ भी फोटो वगैरह आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स का डिजाइन थोड़ा सा कुछ इस तरीके का दिया गया है, जिसमें कि आपको सिल्वर फिनिश वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लग रही है। स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन यहाँ से आपको मिल जाता है, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है, पार्क असिस्टेड आपको दिया गया है, और ये देखिए हाई बीम लो बीम करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। और स्टीयरिंग में देखते हैं कि क्या कुछ आपको कंट्रोल मिल रहा है, तो यहाँ पे टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ही देखने के लिए मिल जा रहा है स्टीयरिंग में। और इधर जो है पैडल शिफ्टर भी आपको दिया गया है, जैसा कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ये पैडल शिफ्टर भी आपको मिल जा रहा है। इधर यहाँ पे जो है कि लेवल 2 एडास का कुछ फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इधर इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, और ये काफी स्मूथ यहाँ पे आपको ग्रिपिंग देखने के लिए मिल जाता है, और डी कट शेप में ये स्टीयरिंग दिया गया है, और जिसमें कि आपको सिल्वर फिनिश के साथ ही आपको दिया गया है, सिल्वर अब या ग्रे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद ये ग्रे ही टाइप दिख रहा है, तो ये ग्रे फिनिश हम कह सकते हैं इसे। आइए हम देखते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा आपको लुक दे रहा है जब ये ऑन होता है। तो ये देखिए काफी सुंदर सा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस तरीके से मुझे वेलकम कर रही है। मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ, सॉरी बंद हुआ या चालू हुआ भाई समझ में नहीं आया। ये देखिए अब जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चालू हो गया, अब काफी खूबसूरत लग रहा है भाई, गजब भाई, मतलब कनेक्टेड जो दिया गया ना सामने से मैं फील जो कर रहा हूँ वो कैमरा में कैच नहीं हो पा रहा है यार। एक बार मैं इसका देखो ड्राइव मोड वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ। ऐसे जैसे ही हम इसका ड्राइव मोड चेंज करते हैं ना, ये भाई ये देखो, ये मुझे मर्सिडीज वाली फील दिलाती है। पहले मैंने किसी मर्सिडीज में इस तरीके का देखा था फॉन्ट वगैरह जो कि चेंज होता है। स्पोर्ट मोड जाने के बाद देखो मतलब रेड हो गया, दोनों चेंज होता है। अभी उसमें कुछ पता नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन बता रहा है इसलिए। अभी देखो इसका 240 तक स्पीड दिखा रहा है, ये काफी अच्छा लग रहा है यार। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर आप बताना। पे जो है बहुत सारे फंक्शन में इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसे हम लेटर कर देते हैं। आइए हम चेक करते हैं, इसमें एप्पल कार प्ले वगैरह भी दिया गया है, ब्लू लिंक वगैरह दिया गया है, और भी बहुत सारी फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। इसका हम चेक कर लेते हैं कैमरा क्वालिटी, जो 360 डिग्री आपको इसमें कैमरा दिया गया है, तो ये आप देखिए इसकी कैमरा क्वालिटी काफी सुंदर आपको मिल जा रही है। और इधर देखिए ये 360 डिग्री कैमरा आपको दिया गया है, तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए काफी मस्त है भाई, कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आपको मिल जाता है, ड्यूअल जोन एसी आपको मिल जाता है, आप अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं, पैसेंजर साइड का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं, और पूरा कंट्रोल ये आपको जो दिया गया है यहाँ पे ये एसी का कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको मिल जा रहे हैं, और थोड़ा सा मैं इसको बंद कर देता हूँ यार, अगर गलती से दब गया तो फिर दिक्कत है यार। इसको पार्क मोड में मैं कर देता हूँ। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए वायरलेस चार्जर आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे सी टाइप चार्जर पोर्ट, 12 वोल्ट चार्जर सॉकेट, और इधर यूएसबी पोर्ट आपको मिल जा रहा है। इधर वेंटिलेटेड सीट आपको जो दिया गया है उसका कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और इधर जो है पार्किंग का, यानी पार्क आप दबाओगे तो यहाँ पे पूरा व्यू आ जाएगा, और यहाँ से आप ड्राइव मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा रहा था वो। और इधर जो है इलेक्ट्रिक पार्किंग मिल जाता है, हैंड ब्रेक वगैरह जो आपको मिलता था वो इलेक्ट्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे दबाते हैं तो ये रिलीज हो जाता है, ऊपर करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे होल्ड करने का भी, ऑटो होल्ड भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, टुकअप होल्डर आपको मिल जाता है। इसका जो नॉब दिया गया है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में, थोड़ा सा प्रीमियम फील दिला रही है, और ये भी यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर फिनिश आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है आर्मरेस्ट, और इतनी स्पेस आपको दी गई है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुझे फील दिला रही है ना ये, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। थोड़ा सा कल से गाड़ी लगी हुई है तो गंदी हो गई है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रबर टाइप का है, तो मतलब मोबाइल वगैरह रखते हैं ना, तो मैं आपको रख के दिखा देता हूँ मोबाइल वगैरह, अगर आप रखते हैं तो मतलब ईजिली रखा जाएगा, गिरने की उम्मीद नहीं है, थोड़ा सा पकड़ रहा है ये मोबाइल, मतलब गिरेगा नहीं भाई। और ये सब की क्वालिटी भी जो मुझे फील दिला रही है ना, वो फुल्ली प्लास्टिक तो है लेकिन इसमें थोड़ा सा रबर टाइप का है, मतलब थोड़ा सा, मतलब कैसे बता देंगे, मतलब थोड़ा सा रबर टाइप फील हो रहा है। और इधर जो है ब्लैक पियानो फिनिश आपको मिल जाता है, और ये देखो ये लग रहा है जैसे कि यहाँ तक एसी वेंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ही एसी वेंट्स आपको देखने के लिए मिलता है। इधर चलते हैं तो यहाँ पे ग्लोव बॉक्स आपको मिल जाता है, जो कि कोल्ड ग्लोव बॉक्स आपको दिया गया, और ये शायद आपको अंधेरे में पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक एम्बियंट लाइट आपको दिया गया। और ऊपर चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे IRBM आपको मिल जाता है,
और इधर जो है सनग्लास होल्डर आपको दिया गया है, और यहाँ पे लाइट आपको मिल जाता है जो कि एलईडी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। और इधर देखते हैं तो विनिटी मिरर मिल जाता है, इधर ड्राइवर साइड में कोई भी मिरर वगैरह आपको नहीं दिए गए हैं। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए पैनारोमिक सनरूप आपको दिया गया है, इतनी बड़ी आपको पैनारोमिक सनरूप आपको मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखते हैं इसका वन टच में ये कैसा वर्क करता है। तो वन टच मैंने कर दिया, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला ग्लास जो है बंद हो रहा है। अब देखते हैं कि वो सीड हमारा बंद होता है या नहीं, तो शायद एक बार और इसे टच करना होगा। अब जो है इसका शेड बंद हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में भाई। बड़ी सी आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, ब्रेजा वगैरह में जो है ना वो काफ़ी छोटी मिलती है, तो उसमें निकलने में भी उतना मज़ा नहीं आता है। वन टच में देख लेते हैं यह वर्क करता है या नहीं करता है। वन टच में भी ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी फास्ट जा रहा है, पहले शायद इतना फास्ट नहीं जाता था। अब जो है फिर से हम इसे दबा के देख लेते हैं, इसका ग्लास भी जो है कि काफ़ी अच्छा, मतलब पहले के मुताबिक अच्छा फास्ट जा रहा है। अभी देखते हैं कितना दूर ये जाता है, अब जाता है या नहीं। अब इतना ही हमारे पास स्पेस है, दो बार हम पीछे ही क्लिक कर दे रहे हैं फिर भी ये आगे आ जा रहा है। अभी चलिए हम देखते हैं रियर सीट कैसा आपको दिया गया है। रियर सीट में देखते हैं लेग रूम वगैरह कैसा आपको मिल रहा है थोड़ा सा। इधर देखिए यहाँ पे बॉस का म्यूजिक सिस्टम है, तो हर जगह ब्रांडिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, और ये सन ब्लाइंड आपको देखने के लिए मिलेगा, और विंडो के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वाटर बॉटल होल्डर आपको मिल जा रहा है। अब देखते हैं इसका क्या आपको मिल रहा है लेग रूम वगैरह। तो लेग रूम हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा बचा हुआ है, और हेडरूम भी हमारे पास अच्छा खासा बचा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है, शायद ये पैनारोमिक सनरूफ आपको दिया गया है ना उसकी वजह से हेडरूम हमारे पास कम है। तो थोड़ा सा अगर आगे वाले लोग कम हाइट के बैठते हैं ना तो उनको दिक्कत नहीं होने वाली, इस तरीके से अगर आप बैठते हैं तो हमारे पास हेडरूम अच्छा खासा बच रहा है। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं, ये हैंडल भी आपको मिल जा रहा है, और ये लाइट जो है यहाँ पे किनारे में आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पैनारोमिक सनरूफ दिया गया ना, तो पीछे से जो है गाड़ी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है भाई, मज़ा आता है देखने में। एक बार लाइए मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे से सनरूफ अगर खुला हुआ रहता है तो कैसा व्यू आता है, ये देखिए काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है यार। इधर जो है एसी वेंट्स भी आपको दिए गए हैं, जो कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। नीचे में थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे सी टाइप का चार्जर पोर्ट आपको दिया गया है। और इधर चलते हैं तो फिक्स हेडरेस्ट, सॉरी यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है। और इधर चलते हैं तो यहाँ पे आर्म रेस्ट भी आपको दिया गया है, जिसमें कि साइड कप होल्डर भी आपको मिल रहा है, कप होल्डर भी दिया जा रहा है। इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है ना, इसके वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसे जो है इस तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हैं, 60-40 का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है यहाँ पे। अगर कम लोग आप ट्रेवल कर रहे हैं तो इसका बूट स्पेस भी आप बढ़ा सकते हैं, अभी रिक्लाइन एंगल जो है मुझे काफी अच्छा। तो भाई ये तो थी अपनी इंटीरियर में क्या चेंजेस थे और एक्सटीरियर में क्या चेंजेस थे, अब जानते हैं इसकी प्राइस कितनी पड़ती है। इस वेरिएंट की जो प्राइस आपको पड़ रही है ना 1869 के आसपास पड़ जाती है, और बेस वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो 1099 से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, 1099,000 से, और इसका टॉप मॉडल जो जाता है वो 2014,000 के आसपास जाती है। और इसकी माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो क्लेम कर रही है ऑटोमेटिक की माइलेज वो 17-18 के आसपास क्लेम करती है, 17.7 यानी 18 आप मान सकते हो इसे। अगर आपको ये क्रेटा अच्छी लगी तो आप कमेंट में जरूर बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। मुझे तो पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं अपना ओपिनियन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके वेरिएंट के जल्द ही मैं आपको वीडियो दे दूंगा, तो आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।